हेलो फ्रेंड्स, BiharRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को बाजार के तरह सत्तू का शरबत बनाने की विधि बताऊंगी। ये गर्मी के दिनों में पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ सभी सामग्री तैयार कर लिया है। ये हम चने का जो है शुद्ध सत्तू ले लिया है। ये लगभग हमें एक गिलास बनाना है, तो उसके लिए हमने सभी सामग्री को ले लिया है। और हम ये भुना हुआ जीरा है, बारीक कट कर बारीक इसको पीस लिया है। थोड़ा सा लाल मिर्च है, भून के इसको हम पीस लिए हैं दोनों चीज़ को। और यहाँ एक छोटा सा प्याज है, इसको बारीक कट कर लिया है। ये लाल मिर्च है, पाउडर है। ये काला नमक है, धनिया है, हरा धनिया बारीक कट कर लिया है। और नींबू है, नमक है, और जो है सत्तू है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, और सेहत के लिए तो पूछिए मत, बहुत ही फायदेमंद होता है सत्तू। तो हम यहाँ ये एक कप पानी लेंगे, और हम इसमें सत्तू मिक्स करेंगे, और सत्तू को हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सत्तू को जो है अच्छे से फेंट लीजिए। आप मथनी से भी फेंट सकती हैं। तो इस तरह खूब अच्छे से मिला लीजिए, ताकि इसमें कोई सूखा सूखा सत्तू ना बचे। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, ये सादा नमक है, इसको भी हम स्वाद के अकॉर्डिंग रख लेंगे। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको भी ले लेंगे। एक चम्मच है ये। यहाँ हम एक चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज ले लेंगे। इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको एक बार घर में ज़रूर बनाइए, सबको फेंट लीजिए। और अब हम इसको एक देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। इसको आप ग्लास में तैयार कर लीजिए पीने के लिए। देखिए, ये बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से बनाइए तो। अब हम इसे थोड़ा ऊपर से सजा लेते हैं लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर से। अब हम इसमें निचोड़ेंगे नींबू का रस। देखिए, इसका बीज निकाल दीजिए और इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पानी ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल पानी है, फ्रिज का पानी है। हम इसमें नींबू का जो पल्प है वो निचोड़ लिए हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, खट्टा खट्टा। आप एक बार घर में ज़रूर वीडियो देख के ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।